हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बटन के बाजू में एक घंटी दिखेगी, उसे भी दबा देना, नहीं तो हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको नहीं दिखेंगे और ये एकदम फ्री है। शमशान पर विराजी है ये चमत्कारी कंकाली माता। 400 साल पहले एक सपने के बाद बना था मंदिर, द रियल स्टोरी ऑफ कंकाली माता मंदिर। देश में माँ दुर्गा के अजब गजब मंदिर और मान्यताएं हैं। इन मंदिरों के पीछे का रोचक इतिहास और वहां के प्रति लोगों की श्रद्धा ही लोगों को बरबस यहाँ खींच लेती है। ऐसा ही एक मंदिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी है। ये मंदिर है कंकाली देवी का। नाम से ही लगता है कि यहाँ का इतिहास कुछ अलग और अनोखा है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अनदेखी, अनसुनी और अनकही जानकारी, जो कि रहस्य और रोमांच से भरपूर है। इसलिए हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, दुर्गा माँ के देश भर में कई मंदिर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित यह चमत्कारी मंदिर साल भर में केवल एक बार ही खुलता है। 400 साल पुराना यह ऐतिहासिक मंदिर शमशान के ऊपर बना हुआ है। इस मंदिर के निर्माण की कहानी भी निराली है। मंदिर का निर्माण माँ के दिए हुए एक सपने के बाद हुआ था। कंकाली मठ के नाम से यह मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के पंडितों ने हमें बताया कि वर्तमान कंकाली तालाब का अस्तित्व बहुत छोटा सा था। शमशान के बीच बना यह तालाब दाह संस्कार के बाद अस्थि को विसर्जित करने के लिए प्रयोग किया जाता था। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अद्भुत मंदिर का इतिहास। ब्राह्मण पारा क्षेत्र में प्रतिष्ठित कंकाली मठ की स्थापना मां कंकाली मंदिर से लगभग 400 साल पहले की है। 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से यात्रा पर आए नागा साधुओं द्वारा तांत्रिक साधना के लिए शमशान घाट पर इस मठ की स्थापना की थी। इसके बीच में चार स्तंभों पर एक चबूतरा बनाकर उसमें शमशानवासी भगवान भूत भवन की स्थापना की गई थी। इस जगह को ठीक समझकर उन नागा साधुओं के दल के कुछ सदस्यों ने आज के कंकाली मठ के पास अपनी साधना के लिए सही जगह मानकर अस्थाई निवास बनाया और साधना के लिए देवी की स्थापना की। उन नागा साधुओं की जीवित समाधियां आज भी इस मठ में विद्यमान हैं, जिनके ऊपर एक एक शिवलिंग स्थापित है। वैसे कुछ नागा साधुओं ने ब्रह्मपुरी के दत्तात्रेय मंदिर और बिरंची नारायण मंदिर में भी साधना के लिए अपना अस्थाई निवास बनाया। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण सपने में दिए गए माँ के दर्शन के बाद हुआ था। वह कहानी क्या है, आइए जानते हैं। 17वीं शताब्दी में कृपालुगिरी इस कंकाली मठ के पहले महंत हुए। बाद में उनके शिष्य भभूतागिरी और उनके बाद उनके शिष्य शंकरगिरी महंत बने। ये तीनों महंत निहंग सन्यासी थे, लेकिन समय काल परिवर्तन के साथ महंत शंकरगिरी ने निहंग प्रथा को समाप्त कर अपने शिष्य सोमारगिरी का विवाह कर गृहस्थ महंत परंपरा का श्री गणेश किया। प्रथम गृहस्थ महंत श्री सोमारगिरी को कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने अपने शिष्य शंभुगिरी को महंत बनाया। शंभुगिरी के पोते श्री रामेश्वरगिरी के दो पुत्रों गजेंद्रगिरी गोस्वामी और हरभूषणगिरी गोस्वामी वर्तमान में इस कंकाली मठ के महंत हैं। कंकाली मठ के पहले निहंग महंत कृपालुगिरी को माता जी ने सपने में दर्शन देकर कहा कि मुझे इस मठ से हटाकर तालाब के किनारे टीले के ऊपर स्थापित करो। देवी की आज्ञा को श्रद्धार्य मानकर महंत जी ने आज के प्रसिद्ध कंकाली देवी मंदिर का निर्माण कर हरियाणा से मंगाई हुई अष्टभुजी श्री विग्रह को प्रतिष्ठित किया। यहाँ पास में कंकाली तालाब भी है, जहाँ पहले शवों को जलाने के बाद कंकाल विसर्जित किए जाते थे। देवी की प्रतिमा के साथ परिसर में स्थित जलकुंड के बीच में एक मंदिर है, जिसमें शिवजी स्थापित हैं। कुंड के दर्शन और उसमें स्नान हेतु सुंदर घाट का निर्माण कराया गया। मान्यता है कि इस चमत्कारी कुंड के जल से स्नान कर लेने मात्र से त्वचा संबंधी रोगों से छुटकारा मिल जाता है। मंदिर के तल पर रखे शस्त्रों के दर्शन और पूजन केवल दशहरे पर्व के दिन ही किए जा सकते हैं। कंकाली मंदिर का शस्त्रागार साल में केवल एक ही दिन यानी कि दशहरे की सुबह खुलता है, और दशहरे की शाम ढलते ही शस्त्रागार पूरे एक साल के लिए बंद हो जाता है। इस दौरान दर्शनार्थियों की भारी भीड़ लगती है। लोग माथा के सामने मत्था टेकते हैं और पुराने अस्त्र शस्त्र के दर्शन करते हैं। दोस्तों,
इसके पीछे भी एक लोगों में प्रचलित मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब देवी युद्ध के मैदान में प्रकट हुई थी और श्री राम को शस्त्रों से सुसज्जित किया था। बस इसी मान्यता के चलते इनके शस्त्रागार का महत्व बढ़ जाता है और लोग इसके दर्शन मात्र के लिए दूर दूर से आते हैं। और ये शस्त्रागार केवल दशहरे के दिन इसलिए खुलता है क्योंकि इसी दिन राम ने रावण का वध किया था। नवरात्रि के पर्व पर माता के दर्शन हेतु भक्तों का तांता लगा रहता है और माँ अपने सभी बेटों की मनोकामना पूरी करती है। बोलो जगदम्बे मात की जय। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही जय माता दी लिखना ना भूलें। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी मिस कॉल करें। हमारे अन्य रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियोस पर क्लिक करें।